ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हरिवंश पुराण के अनुसार जो व्यक्ति भगवान नारायण की कथा को सुनते रहेंगे उनका वंश कभी निर्वंश नहीं होगा। शास्त्र कहता है कि कार्तिक मास में सालिग्राम भगवान पर रोजाना तुलसी जो चढ़ाता है, रोजाना उनको तुलसी नहीं चढ़ा पाता तो सालिग्राम भगवान को तुलसी के गमले में रखकर उनके पास एक छोटा सा संग रखकर पूजा कर लेता है तो इसे पति पत्नी कभी बिछड़ते नहीं, संपत्ति का कभी अभाव नहीं होता, उस व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं हो सकती जिसके यहाँ तुलसी का पूजन होता है। इसलिए हम सनातनियों के घर में तुलसी का होना आवश्यक है। वहीं हरे वंश पुराण कहते हैं कि गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती, दुर्गा जी को दूर्वा नहीं चढ़ती और भगवान सूर्य को आका फूल नहीं चढ़ता। हरिवंश पुराण में वर्णित है कि जो भी लोग पूर्णिमा का व्रत करके उस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं उनको 100 यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनकी वंश वृद्धि नहीं रुकती। वही पुराण ये भी कहते हैं कि किसी भी पूजन में जो हम कलश रखते हैं उसके नीचे गेहूं या जौ रख देते हैं या बो देते हैं तो उसको लगाने से स्वर्ग जैसा सुख धरती पर ही प्राप्त हो जाता है। वही जो लोग हस्तरेखा देख लेते हैं उनको पता होगा कि हाथ में अंगूठी के पास जौ यानी यौ का निशान बना होता है। ऐसा व्यक्ति दुनिया की किसी भी कोने में जाकर बस जाए तब भी भगवान लक्ष्मी नारायण उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ते, वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। वही हरिवंश पुराण ये भी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति व्रत रखकर कथा को सुनता है उसे कपिला गौ दान देने के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन वही जो पति पत्नी साथ बैठकर व्रत रखकर कथा श्रवण करते हैं तो उस पति पत्नी से सारे देवता प्रसन्न होकर उनसे रेढ़ी हो जाते हैं और प्रसन्न होकर अधिक आशीर्वाद देते हैं। वहीं हमने कथा में ये भी सुना है कि मनुष्य अपनी गोपनीय वस्त्र को और बाकी सभी वस्त्र को ऐसी जगह सुखाए जिससे उसके गीले वस्त्र का पानी किसी और पर ना पड़े, क्योंकि जिसके गीले कपड़े का पानी हमारे शरीर पर पड़ता है उसे चर्म रोग हो जाता है। वहीं ये भी बातें वर्णित है कि नारी को पूजा करते समय, भोजन बनाते समय, किसी के पैर छूते समय नारी का जूड़ा बंधा होना चाहिए। नारी खुले केस कलह झगड़े को अधिक प्रभावित करते हैं। ये बहुत ही अद्भुत बातें हैं जिन्हें महात्मा वेद व्यास भगवान जी ने जीवन भर दूध पीकर अच्छे ग्रंथ लिखे हैं। हर हर महादेव।